ओहो क्या हो गया भाई, क्यों नाराज है? चलो बाय बाय। और भाई अभी मैं आ रहा हूँ पूजा को ऑफिस छोड़ के, और ये देखो भाई देहरादून सहारनपुर, ठीक है ये लाइन यहाँ से इन्होंने कर दिया चालू। अब पता नहीं कहाँ तक चालू करिए, चालू वैसे पता नहीं ऑफिशियली इन्होंने करी नहीं है, लोग आ रहे हैं इस पर तो देख के आते हैं भाई कहाँ तक चालू करिए इन्होंने। तो भाई मुझे लग रहा है ये शायद DLF तक चालू कर दिया इन्होंने, अंकुर विहार जो है वहाँ तक चालू कर दिया है इन्होंने, बहुत लंबी चालू करी है ये। DLF आ चुका है, ये है भाई DLF की रोड, ठीक है। और DLF के बाद भी आगे तक अभी जा ही रहा है, ये जा रहा है ट्रॉनिका सिटी, ये ट्रॉनिका सिटी तक चालू कर दिया भाई। चलो यार चलते हैं वापस। सो ये दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, और भाई मैं आ चुका हूँ घर। और आपको मैंने दिखाई थी भाई अभी देहरादून एक्सप्रेस वे की लाइन मतलब रोड, ठीक है जो थी, और वो यहाँ से तो शायद चालू कर दी है, बट पता नहीं कहाँ तक करी है वो पता नहीं है। बाकी भाई रैपिडो की जो सीरीज़ थी वो हमने कर दी ख़त्म, क्योंकि भाई गर्मी बहुत हो चुकी है और वो जस्ट एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने करी थी, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ले लिया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बट मैं अब ये कहना चाहूँगा सबको कि भाई जो अगर करता भी है ऐसे रैपिडो या ऊबर में, तो भाई अभी कुछ दिन के लिए या तो सुबह शाम को कर लो या फिर अभी मत कीजिए। और पानी भाई पीते रहिए, मतलब डिहाइड्रेट रहिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो रहा है। 45 डिग्री, 47 डिग्री, 42 डिग्री, मतलब 40 से नीचे रही दिन में, तो भाई गर्मी बढ़ रही है। बाकी फ़िलहाल अभी आए फ़िलहाल मैं हूँ अभी घर पे, और काम वाम हो चुका है। मम्मी गई हैं भाई डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए, पूजा गई है ऑफिस, और हमने कर लिया घर का काम। और आप लोग बताइए कैसे हैं, काफ़ी टाइम हो गया भाई आपसे मिले हुए, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ब्लॉग को आए हुए, ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मन नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो, ठीक है क्योंकि घर पे ही था। और बाकी कल है सैटरडे, कल है वोटिंग का दिन, तो वोट करने जरूर जाइए जिसको भी आपको करना है। और कल हम भी जाएंगे, पहले करनी है हमें थोड़ी साफ़ सफाई, जहाँ पेड़ पौधे लगाए थे वहाँ, और पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें साफ़ सफाई करनी है, तो वहाँ जाएंगे कल। तो कल का ही ब्लॉग जरूर देखना। आई नो आपको थोड़े एनवायरमेंट वाले या ऐसे वाले ब्लॉग पसंद नहीं आते, बट अगर हमें सर्वाइव करना है ना आगे, तो ये काम मतलब ये काम करने पड़ेंगे सबको मिलके, ठीक है। तो सबसे अपील यही करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी होगी वहाँ की मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी फ़िलहाल अभी करेंगे नाश्ता, मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी आ जाएंगी तो करते हैं नाश्ता। तो भाई जब तक मम्मी आ रही है तब तक मैं अपने लिए नमक वाले पराठे बना लूँ, और भाई फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब आता नहीं है मुझे, रोटी तो मैंने बहुत बनाई है बट नमक वाले पराठे मैंने नहीं बनाए। सो लेट्स ट्राई कि बनते हैं कि नहीं। तो यार इसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा है ट्राइंगल बनाए, बट कोई बात नहीं, इसको बनाएंगे हम घी में, ठीक है। डालडा रिफाइंड मुझे पता नहीं कहाँ रखा है, इसलिए घी में बना रहा हूँ। बाकी ओके उठ जा भाई, आहा आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बन जा भाई बन जा। अरे भाई कहाँ जा रहा है, बस ठीक से बन जाए भाई, सीख तो सही रहा है एकदम, जैसा होता है ना वैसे सीख रहा है। देखो कच्चा रह गया थोड़ा यहाँ से साइड से, बट अभी देखते हैं ऐसे और पकाएंगे। ओहो बढ़िया भैया बढ़िया, थोड़ा सा घी और सब्जी है आज भाई पत्ता गोभी की, तो पत्ता गोभी के साथ पराठे अच्छे लगते हैं। ओहो देखो फूल रहा भाई, थोड़ा साइड से पक जाता ना मजा आता। तो भाई पक गया गर्मी इतनी है ना, सच बात है गर्मी इतनी है कि इंसान पक जा रहा भाई, ये तो फिर भी पराठा है। चलो सीख गया है, इसको निकालते हैं बनाते हैं दूसरा। तो दोस्तों मेरा ब्रेकफास्ट बन के हो चुका है रेडी, और आपको दिखाता हूँ शक्ल कैसी हो रही है, ठीक है। 3 पराठे बनाए, शक्ल देखो ऐसी हो रही है। तो चलिए यार करते हैं ब्रेकफास्ट, और मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। मम्मी वो आने में थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, अभी 10:30 हो गए, शायद 11 बजे तक आ जाए मम्मी। तो फिर मिलते हैं आपसे नाश्ता करके। तो भाई अपने हाथ की बनी रोटी ना भाई बहुत स्वाद लगती है यार, अब आपने शक्ल तो देखी थी तो स्वाद भी भाई देख ही लिया ऐसा होगा। बाकी यार चाय से ना मुंह जल गया, क्योंकि गरम गरम थी चाय, और ऊपर वाले जो हिस्सा होता है ना वो जल गया,
बाकी अभी बनाते हैं हम नींबू पानी, मम्मी के बना के रख देता हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है तो भाई नींबू मतलब पानी तो पीना ही चाहिए, बट पानी के साथ जैसे नींबू ऐड कर दो ना, नींबू, नमक, चीनी, ठीक है, और भी चीज़ें जो आप पी सकते हैं, ठीक है, बना के घर में, तो भाई सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें आपको नारियल पानी, ठीक है, जूस, फ्रूट, ये सब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन भी गर्मी में मतलब निकल जाते हैं, सिर्फ पानी नहीं निकल रहा आपकी बॉडी से, तो भाई नींबू कहाँ रखें मैं। चलो भाई बनाते हैं नींबू पानी और वेट करते हैं मम्मी का, आज ज़्यादा लेट हो गई, शायद 11 बज गए अभी। ये देखो भाई फ्रिज, मम्मी ने ना फूल उगे थे तो मम्मी ने स्टोर करके रखे हुए, क्योंकि रोज़ चाहिए होते हैं तो ताज़े रहते हैं इसमें। बाकी नींबू कहाँ है हमारे, नींबू भी तो यार इतने महंगे हो रहे हैं ना कि भाई नींबू ही नहीं है, एक ही नींबू है मम्मी के, तो नींबू भी इतने महंगे हैं ना, अब पता ही क्या चल रहा है आजकल, 35 रुपये पाव थे पहले तो, मतलब 140 रुपये किलो, अब पता नहीं क्या रेट है। चलो जो भी है इसी को बना के रख लेते हैं। तो यार ये हालत देख रहे हो अभी, तो भाई अभी मैं लगा रहा था मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि जो मतलब फेस है ना बहुत काला हो गया था धूप में जाके, बट बाहर क्या है फ्लिपकार्ट वाला आ गया, मैंने कल टी शर्ट ऑर्डर करी थी एक टी शर्ट और आज ही आ गई, तो ये देख रहे हो अभी बस लगाई थी, अभी सूखी भी नहीं है, और अब बाहर कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा, मम्मी सो रही हैं, तो लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी टी शर्ट और कितने के लिए। दोस्तों अभी हो रहे हैं शाम के 4, और भाई चेहरा देखो कितना खिल गया पहले से, ठीक है, मैंने इसमें आइस भी लगाया था, और जो पार्सल वाला आया था ना वो मेरा नहीं था यार, वो पूजा का था, तो पूजा ने कुछ शायद पैंट वेंट मंगाई है, मेरा भी आएगा थोड़ी देर में, और आज हमने लंच तो करानी, तो अभी खा रहा हूँ मैं बिस्कुट और चाय। तो भाई फेस वैसे पहले से यार सही लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी ना थोड़ा ज़्यादा काला हो गया था, एक दिन मुल्तानी मिट्टी और लगानी पड़ेगी तो सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको एक फ़ोटो और दिखाता हूँ जो मैं अपने मतलब जब मैं 12th में था, ठीक है, तब मैं लगा के जाता था ट्यूशन जाने से पहले, आप समझ मतलब आप तो समझ ही जाओगे कि भाई क्यों ट्यूशन जाने से पहले लगाता था, और जिसके लिए लगा के जाता था वो भी चलो छोड़ो यार, फिलहाल मैं करता हूँ चाय इन्जॉय, ठीक है, मिलते हैं आपसे शाम को जब मैं पूजा को लेने जाऊँगा तब दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली मेरा पार्सल भी आ चुका है, ठीक है, सो ये दिखाता हूँ आपको, ये है भाई 3XL में, ठीक है, फ्लिपकार्ट का 3XL दिखाता हूँ कैसा है, मुझे वैसे XL आ जाता है फिट, ठीक है, बट ये ऑफ शोल्डर है, ठीक है, तो मैंने 3XL मंगाया क्योंकि ये जिम में भी वियर कर सकता हूँ मैं, सो लेट्स सी, 200 रुपये की है और डिलीवरी फ्री है इसकी, सो ये देखो इसको पहन के दिखाता हूँ मैं, ठीक है, पहन के दिखाता हूँ फिर बताता हूँ वो कैसा है। तो यार अगर 3XL के हिसाब से बताऊँ ना तो ये XL साइज है, ठीक है, जो ऑफ शोल्डर कहते हैं ना इसे मतलब लूज वाली, वो फिटिंग अब भी मुझे इसमें लगने रही, मतलब ये यार देखो डबल XL के बाद 3XL आता है और वो ऐसा आ रहा है, करेगा फ्लिपकार्ट, मजा नहीं आया यार। पूरे कपड़े में लग गई यार, देखो भाई चुचुंदर पानी पीना था, देखो भाई चटोरी, बार बार देख रहे हैं चटोरी। तो देखो भाई फ्लिपकार्ट वालों ने पूजा के तो भाई एकदम मतलब फिट, ठीक है, परफेक्ट और क्वालिटी भी बढ़िया, और मुझे ये बकवास सी, ना क्वालिटी है ना फिटिंग है, और ये देखो इनको तो मस्त कपड़े आ गए, इनके सी आर के हैं, पैंट भी मस्त, और कितने की 200 की, ये 200 की, इसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है, और हम हाँ हम लिंक दे देंगे आप बाय कर सकते हो, ठीक है, हो सकता है वो अमेज़ॉन का लिंक भी हो, ठीक है, जैसा नहीं फ्लिपकार्ट का ही अमेज़ॉन का भी दे सकते हो, कितना 200 400, हाँ भाई क्या बुरा यार, 200 की तो हमारी भी थी मगर हमारी एकदम बकवास, थर्ड क्लास, क्या एक चीज़ और आनी है, मजे हैं वही मजे। तो भाई अब टाइम है खाने का, और भाई मैं गया था जिम, मतलब जिम क्या गया था, जिम देखने गया था कि भाई क्या चल रहा है जिम में, ठीक है, काफ़ी 10-15 दिन हो गए जिम गए हुए, तो
ऐसे जिम देखने गया था जहाँ भाई एसी लगाओ, बट मुझे कहीं जैसा मिला नहीं अभी तक कि जहाँ एसी लगाओ और कूलिंग हो रही हो। ठीक है, कूलर पंखे सब जगह थे बट एसी नहीं है। ठीक है, और गर्मी इतनी है कि भाई बिना एसी के काम नहीं चलना। और अब वो जवानी भी नहीं रही जो हम मतलब अपने 16-17 साल की उम्र में जाते थे कि भाई गर्मी में भी लगे हुए कंधे पे। बाकी फ़िलहाल अभी खाने में है सब्जी, रोटी, दही और पनीर की भुर्जी, और एक ये लड़की रेडियो कल के ले। अच्छा, इनका तो बोट ही नहीं है, मेरा बोट नहीं, हम डाल ये दिया है। हाँ, ये दिया है पहले, इनका पूजा का बोट नहीं है। ठीक है, हमारा बोट है, आपका बोट है, और वीडियो हो सकती है 9 बजे तक आ जाए, तो आप तब तक बोट डाल के आ जाना। अगर नहीं डाल के आए होंगे तो भाई वीडियो देखने के बाद डाल देना और कमेंट करके बताना, मतलब बताना, ये बता देना कि वोट डाल दिया, बस किसे डाला ये बताना। चलिए, मिलता हूँ आपसे कल, तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।